कहते हैं कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, और खेल उसका कौन बिगाड़े जो अभिषेक करे भोलेनाथ का। तो क्या मुंबई इंडियंस का खेल अब बन चुका है और इस आईपीएल का खिताब महाकाल के आशीर्वाद से मुंबई इंडियंस जीतने जा रही है? क्या केएल राहुल और विराट कोहली की किस्मत जैसे बदली थी, वैसे ही पांड्या की किस्मत भी अब करवट लेने वाली है, क्योंकि लगातार 3 मैच हारने के बाद पांड्या ने जो किया उसके बाद उनकी टीम के साथ जो हुआ वो इसी बात के संकेत देता है। जब पूरी टीम लगातार 3 हार के बाद छुट्टियां मना रही थी, रोहित शर्मा बोट चलाते हुए फोटो शेयर कर रहे थे, तब कप्तान हार्दिक पांड्या महादेव को बेलपत्र चढ़ा रहे थे, दूध से भगवान सोमनाथ का अभिषेक कर रहे थे, उधर वो पूजा करके बाहर निकले और इधर बैक टू बैक उन्हें 3 बड़ी खुशखबरियां मिल गईं। पहली खुशखबरी, उन्हें मिली सूर्य कुमार यादव के फिट होने के रूप में। पांड्या को ये लगा जैसे मैच जीतने के लिए भोलेनाथ ने ये स्वयं अपना दूध भेज दिया हो। उसके बाद दूसरी खुशखबरी मिली 48 घंटे बाद, यानी कि 7 अप्रैल को जब पांड्या अपनी कप्तानी पर उतरे तो उन्हें ट्रोल करने वालों की संख्या अपने आप में कम हो चुकी थी। अब वो इस डर से हुआ कि पुलिस स्टेडियम से बाहर भगा देगी, या फिर रोहित ने खुद ही सबको संदेश भेजकर समझाया था कि ऐसा मत करो प्लीज, वो तो वही जानी। पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में पांड्या को उस तरह से ट्रोल नहीं होना पड़ा जैसा कि शुरुआती 3 मैचों में हुआ। उसके बाद तीसरी बड़ी खुशखबरी मिली जीत के रूप में। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहली बार मुंबई इंडियंस को जीत मिली और दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई ने 29 रनों से हराकर इस सीजन की पहली जीत का स्वाद चखा। ऐसा पहली बार कई बार हुआ है जब मुंबई की टीम शुरुआती कई मुकाबलों में हारी है और फिर सीधा फाइनल में खिताब जीत लिया। 2014, 2015 और 2018 में भी मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी धीमी हुई थी, तब टीम के कप्तान रोहित शर्मा हुआ करते थे। ऐसे में अभी भी देरी नहीं हुई। पॉइंट टेबल पर नजर डाले तो मुंबई इंडियंस 8वें नंबर पर नजर आ रही है। अभी मुंबई इंडियंस को कुल 10 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वो 10 जीत जाती है तो उसके पास 22 नंबर होंगे और वो प्लेऑफ की दौड़ में आसानी से पहुंच सकती है। हालांकि जब तक आधे से ज्यादा मुकाबले नहीं खेले जाते तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, पर मुंबई इंडियंस ने जिस तरह का खेल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिखाया है और खासकर पूरी टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काफी शानदार था। पहले बैटिंग के लिए उतरे रोहित शर्मा, फिर ईशान किशन ने 80 रनों की शानदार साझेदारी की, रोहित अर्धशतक से 1 रन चूके जबकि ईशान ने 42 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या सूझबूझ के साथ खेलते नजर आए और उन्होंने 39 रनों की पारी खेली। टीम डेविड और रोमानिया शेफर्ड ने भी अच्छी बैटिंग की। यहाँ निराश सूर्य कुमार यादव को होना पड़ा, वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, पर अगले मैच में उनसे बड़ी उम्मीद होगी। मुंबई इंडियंस ने इस मैच में जहाँ पर 235 रन बनाए थे तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 206 रन पर ही ढेर हो गई। दिल्ली की शुरुआत भी मन मुताबिक नहीं रही। मुंबई के शेयर जसप्रीत बुमराह, रोमारियो शेफर्ड और गेराल्ड का जैसा फॉर्म इस मैच में दिखा उसने आईपीएल की बाकी 9 टीमों को सावधान कर दिया। अब हर बल्लेबाज यही सोच रहा है कि मुंबईया बल्लेबाजों और गेंदबाजों का फॉर्म लौट चुका है, इसीलिए संभल कर खेलना होगा। क्या पांड्या की टीम के इस बदले अवतार को देखने के बाद आपको भी लगता है कि पांड्या को महाकाल का आशीर्वाद मिल गया है? इससे पहले विराट कोहली और केएल राहुल ने भी महाकाल के दर पर मत्था टेका था, तब जाकर किस्मत बदली थी और दोबारा से रनों का पहाड़ खड़ा करने लगे।